Hey guys, this is me नग्मा रहमान. आप सभी का स्वागत है मेरे नार व्लॉग में. तो आज का व्लॉग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग भी है मेरे लिए, क्योंकि आज का जो व्लॉग है वो Q&A विद मी के अंदर बनेगा. तो चलो स्टार्ट करते हैं. क्योंकि जब मैंने इंस्टाग्राम में पोस्ट आया था कि Q&A विद मी करके, तो बहुत सारे क्वेश्चन आए थे. मैंने इतना एक्सपेक्ट तो नहीं किया था, बट क्वेश्चन आ गए. तो चलो स्टार्ट करते हैं. ओके, तो सबसे पहले मेरा जो क्वेश्चन है, कितने अजीब अजीब क्वेश्चन आए थे ना, बट हम कुछ सेलेक्टिवली ही कुछ क्वेश्चन खास देंगे, क्योंकि कुछ कुछ थोड़ा ऐसा यू नो वियर्ड से क्वेश्चन थे. तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रूफ ऑफ एन आर व्लॉग. लाइक सीरियसली, एन आर व्लॉग जिसने नगमा का पहला इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है, ऑफकोर्स उस इंसान को नहीं पता कि एन आर का इतना सिंपल है. हाँ, तो मैं बताती हूँ. अन्ना मतलब नगमा रहमान. तो सेकंड क्वेश्चन है, आप एक्चुअली कहाँ से बिलोंग करते हो? एक्चुअली कहाँ से बिलोंग करते हो? अभी करंटली तो हमारे हॉलीडे चल रहे हैं, तो मैं बिहार में हूँ. अपने मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ, मतलब हमारा एक्चुअल होम टाउन मधुबनी बिहार में है, बट हम झांसी में रहते हैं, तो वहाँ के ब्लॉग शूट करते हैं तो ज्यादातर. सेकेंड क्वेश्चन है, आप व्लॉग क्यों बनाते? हाँ, थर्ड क्वेश्चन है, आप व्लॉग क्यों बनाते हो? लाइक इतना सिली क्वेश्चन. हम लोग व्लॉग क्यों बनाते हैं? मजे के लिए बनाते हैं ना, क्योंकि जो हमारी मेमोरीज होती है, ओल्ड मेमोरीज और जो आने वाली मेमोरीज होती है, उसे हम कलेक्ट करके रख सके. तो इसलिए हमने ये व्लॉग बनाना स्टार्ट किया. और मुझे बोलने की भी आदत ज्यादा है, तो हमने बोला कि तू यूट्यूब चैनल खोले, देन उसने तेरे को जो बोला तो उसमें बोलते रहना. तो तब से मैं बोलती हूँ, आजकल तो ज्यादा ही बोलने लगी हूँ. और यूट्यूब के चक्कर में तो और ज्यादा बोल पा रही हूँ मैं. तो फिर और ज्यादा प्लान करके भी बोलती है कि यू नो मुझे ऐसे बोलना चाहिए. चल ठीक है, मैं ऐसे बोलूंगी ऐसे. फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन. हाँ सॉरी, फोर्थ क्वेश्चन. आप अभी क्या कर रहे हो? आप अभी क्या कर रहे हो? और आपने 12th कहाँ से की? क्यों, आपको भी करनी है क्या वहीं से? नहीं. हाँ, तो मैंने 12th से क्लास है. मैंने अपनी हायर स्टडी वेस्ट बंगाल से किया था, क्योंकि जो हमारे पापा है वो आर्मी में थे, तो अभी रिटायर हो गए. तो अभी हम लोग आ गए अपने घर. और हाँ बस इतना. तो 12th इसमें सॉरी कहाँ से? वेस्ट बंगाल से क्या है? बंगाल से क्या स्कूल का नेम? हाँ, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 बिन्नागुड़ी कैंट में था. कैंट में तो वहीं से क्या काम है. और अभी क्या कर रहे हो, ये भी तो पूछा था. हाँ, अभी मैं बीएफए कर रही हूँ. बीएफए कोर्स मतलब की झांसी में कर रही हूँ, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी. और बीएफए का मतलब फुल फॉर्म भी बहुत पूछते हैं लोग. बीएफए का होता है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट. इतना ज्यादा लोगों को इतना पता नहीं होता है. इसके बाद में फाइन आर्ट्स चित्रकला वाले लोग. हाँ, बहुत अच्छा होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रियली मेक्स यू एंग्री? ये हमेशा तो गुस्से में रहती है. इसको कहा जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो नगमा के फ्रेंड्स हैं, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये गुस्सा क्यों हो जाती है. मतलब बेसलेस चीज रहती होती है, उस पर भी गुस्सा हो जाती है. लाइक बहुत इजीली अगर आपको यू नो इसको गुस्सा दिलाना है, तो बहुत इजीली गुस्सा हो जाएगी. बस मैं एक और मेरे को बोलते कि मैं चिड़चिड़ी भी हूँ, इसलिए हमारे झगड़े ज्यादा होते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं. हम इसके साथ कोई प्रैंक भी करते, लाइक मैं और विशाखा हॉस्पिटल कोई प्रैंक भी करते हैं. विशाखा तो सही होगा. हाँ, विशाखा और अनुष्का, तो हम लोग ऑलरेडी उनके साथ हैं, तो हम इसके साथ कोई भी प्रैंक करेंगे तो ये बहुत ऐसे होता है. तुम रिएक्ट करो यार, लेकिन मेरी गुस्सा हो जाती है, तो हमारा प्रैंक खराब हो जाता है. मैंने बहुत सीरियस हूँ यार, बहुत सीरियस टाइप की. नेक्स्ट क्वेश्चन बता देते हैं. What is your favorite book to read? कौन सा क्वेश्चन पूछा? मतलब क्या सोच के ये क्वेश्चन पूछा? इसको कभी इसको देखा है व्लॉग में भी बुक पढ़ते हुए? ये चित्रकला की बच्ची हमेशा तो ड्राइंग बनाते हो तुम लोग, तो तू बुक के बारे में कैसे क्वेश्चन पूछ? क्या पढ़ना तो होता. चलो ठीक है, तो मैं बुक्स पढ़ती हूँ. और ये मुझे बोलती भी है कि तू है ना थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पढ़, बट मैं उतना नहीं पढ़ती, क्योंकि मेरा ना पता नहीं क्यों दूर दूर तक नाता नहीं रहता. हमने 12th तो बहुत अच्छे से मतलब क्लियर किया, ऐसा भी नहीं है. बहुत अच्छे मार्क्स आए थे 12th में मेरे, लेकिन
पुरानी बुक मुझे पढ़ना नहीं पसंद, ऐसे फ्री टाइम पे ना मैं बुक पढ़ लेती हूँ कोई भी अगर अच्छी सी मूवी, तो अदरवाइज ऐसे नहीं मिलता है कि लाइब्रेरी में गए तो लाइब्रेरी में पढ़ ली कोई अच्छी बुक मिलेगी तो अदरवाइज भी जाती है ना। हाँ मैं जाती हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू कुड चूज टू एनीथिंग फॉर अ डे व्हाट वुड इट बी? बताओ इसका आंसर क्या है, क्या तुम करना चाहोगी? ये मैं देखो सबसे इजी ठीक तरीका होता है तुम्हारे दिन में मत निकालने के लिए टाइम तो पास करने के लिए, ऐसा तो खाओ पियो और बस यही तीन चीज होती है लाइफ में। नहीं और भी होती है, सक्सेस भी होना जरूरी है तभी तो तुम खाओगे पियोगे और फिर घूमोगे। और मैं सोती भी बहुत हूँ ना आजकल, हमेशा से सोती है। हाँ पता नहीं सोने का आदत होती है। तू आंसर तो दे क्वेश्चन का, आंसर दे। कोरोना के टाइम में ना बहुत ही ज्यादा मतलब लोगों की ना मतलब आदत ही ना बुरी हो गई है सोते सोते सोते, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम वर्क फ्रॉम दिस दिस, तो इसमें लेजी हो गए अच्छे लोग है ना। तो मैं सोती तो सोएगी दिन भर, दिन भर नहीं मतलब वो सोना ज्यादा पीना, खाना पीना भी होता है, खाना पीना ऐश करना और सोना मतलब ये प्रीफर कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको खाने बनाना, अच्छा खाना बनाना आता है? खाना देखो ये बना, खाना बहुत अच्छे से आता है बनाना। किसने पूछा ये क्वेश्चन, किसने पूछा था, मेल और फीमेल ने? ये मेल यहाँ पे यही देखने आए थे तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो हमने जब ये क्वेश्चन देखा था ना तब मुझे ऐसी बड़ा हंसी आई थी मुझे तो। हाँ आपको खाना बनाना आता है, लाइक आगे बनवाएंगे ना आपसे तो खाना बनाना आता है? तो खाना बनाना तो आपको आता है, मतलब ज्यादातर लड़की को तो आनी ही चाहिए है ना खाना बनाना, लड़कों इसको आता है अच्छे से खाना बनाना, लाइक मुझे कुछ भी नहीं आता इसको सबसे जाती है, हालांकि छोटी है तारीफ कर दी तो जो सच है वो तो मुझे बताना पड़ेगा ना, तो ये बहुत अच्छा खाना बनाती है। किसी को खाने का मन करेगा ना तो मैं तुरंत चल जाती हूँ किचन में और बनाती रहती हूँ। इसका इंटरेस्ट नहीं है मुझे, इंटरेस्ट नहीं है, मैं सिर्फ और हमेशा ना ट्राई करने से तो मजा भी आता है खाने में, टेस्ट भी आता है अलग अलग, मैं बनाती रहती हूँ मुझे बहुत पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रपोजल, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका निक नेम क्या है? इसके बहुत सारे निक नेम है क्योंकि ये हमारे घर की सबसे छोटी बहन है, छोटी सबसे छोटी है, लाइक पापा मम्मी भाई में एंड देन आती है नगमा, सबसे नगमा रहमान। हाँ हाई थोड़ी सी 19-20 ज्यादा। तो इसका निक नेम क्या है नम्मा, क्या क्या निक नेम है? मुझे भी नहीं पता, पता नहीं कहाँ पे भी आना तो मतलब कहीं से भी हो, इस कोने से इस कोने से कोई भी नाम से बुला लेंगे ये लोग, मुझे पता भी नहीं चलता मेरा नाम सही कहीं। हाँ जैसे कि हम दोनों है तो मेरे हमसे बड़ा भाई है भैया, तो जैसे हम कभी भी यू नो ऐसे झगड़ा वगड़ा करें तो हमारा ऐसे नाम है चुन्नू मुन्नू, लाइक आई एम चुन्नू और ये मुन्नू है हमारी छोटी सी मुन्नू। और ये एक और भी नाम बोलती है नमा नमा करके। हाँ यार क्योंकि मैं इसको नगमा करके बोलती है, मैं इसको नगमा करके बुलाती थी, सुनती नहीं तो मुझे नाक बुलाने बताया, ये कितना अच्छा शॉर्ट फॉर्म है, लाइक यू नो नाक सुनना सुनना तो ये सुन लेती है क्योंकि इरिटेट हो जाती है, सुनना पड़ता है ना इरिटेट हो जाती हूँ इसलिए फिर सुन लेता है जल्दी। तो नाग इसका मेरे लिए फेवरेट नेम नाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन तो सा कौन सा, हाउ वुड योर फ्रेंड्स लाइक डिस्क्राइब? I'm your sister. हाँ तो अभी फ्रेंड्स तो है नहीं अभी यहाँ पे हमारे इधर, तो दीदी कहीं बोलती हूँ इसे मेरे बारे में ज्यादा पता है क्योंकि बहन है यार, अच्छा पता होगा क्योंकि बचपन से साथ ही थे हम लोग तो इसको ज्यादा पता है, और अगर नहीं पता तो ही मुझे पता है। पता है चल बता। बट इसमें क्वेश्चन ये कि यू नो फ्रेंड्स क्या कहेंगे, तुम्हें कैसे बताएंगे तुम कैसे हो, तो मैं क्या कहूंगी, मैं तो कहूंगी बस मेरी छोटी बहन है और फर्स्ट फ्रेंड ना बहन की बहन ही होती है। तो चल बताओ ऐसे ये क्वेश्चन तो फिर फ्रेंड से पूछना चाहिए, अगर मैं विशाखा अगर तू ये क्वेश्चन विशाखा से पूछेगी तो वो विशाखा तेरे को बोलेगी कि दिन भर रोती रहती है, मतलब ये कुछ भी बोलेगी तो इसका टोन थोड़ा वैसा होता है यार चलना यार जल्दी चलना, मतलब ऐसे रहता है इसका टोन की यू नो ऐसे लेजी एंड देन वैसे में।
नहीं, अगर थोड़ा सा रोल हो ना, बच्चे वाली आदत होती है, बट ये बट कोई नहीं, थोड़ा सा रोल हो तो सामने वाला भी सुनता है, यार बेचारी रो रही है, चल चलते तो ऐसे चलते हैं सब। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर तुम्हारी लॉटरी लगे तो तुम क्या करोगे? क्या करेगी ना इतने सारे मैं? वैसे ये कौन सा क्वेश्चन पूछा है? मुझे तो लगा भी था कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि यू नो अगर तुम कहीं पे पूछोगे आसमी समथिंग आसमी क्वेश्चन होगा क्वेश्चन, तो अगर तुम्हारी लॉटरी लग गई तो तुम क्या करोगे? ये उनका बहुत ज्यादा यू नो उन्हें एक्साइटमेंट होती है, क्यूरियोसिटी होती है कि मैं तो ये पढ़ लूंगा, कि वो लेकिन वो क्या करना चाहेगा। तो ये सुरकेश ने क्वेश्चन बनाया जिसने ये क्वेश्चन पूछा। सुनो बताओ आंसर क्या है, अभी तुम्हें ये भाई लॉटरी लगी तुम क्या करोगे? शेयर करेगी मेरे से? हाँ करेंगे, लेकिन करेंगी लेकिन थोड़ा सा कुछ पैसा, ठीक है ज्यादा नहीं, थोड़ा सा भी कर देंगे चल जाएगा। पैसे जितने हो ना उतने कम होते हैं, और लड़के के लिए तो बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। तो क्या करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे ऐश करेंगे और क्या? वाह क्या था, इतना शॉर्ट। हाँ तो क्या करेंगे, तुम क्या करना चाहेंगे तो बताइए। मैं हाँ मैं ना एक ब्लैक कलर का हॉर्स वो मेरा फेवरेट एनिमल है, और बस बट और भी तो बचेंगे ना, एक्सपेंसिव भी है वो, खिलाना पिलाना भी पड़ता। हाँ तो बाकी के जो बच्चे बच्चे वो उसके एक्सपेंस में जाएगा, लाइक उन्हें खिलाना पिलाना और उनका क्लीननेस पे, और बस और उसके ऊपर राइड करेंगे। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हू नोज इट बेस्ट, ये लास्ट क्वेश्चन था। हू नोज इट बेस्ट, कौन तुझे अच्छे से जानता है? ऑफ कोर्स नहीं। जानती अच्छे से देखो, मुझे नहीं पता इतना अच्छे से जानती कि नहीं जानती, बट ये सिस्टर है ऑफ कोर्स, ये मेरे से मतलब लाइफ टाइम तक रहेगी ये, तो ये मुझे अच्छे से जानती है, क्योंकि हम बचपन से एक ही साथ रहे हैं, एक ही साथ बड़े हुए हैं, एक ही साथ स्कूल गए हैं, तो एक साथ कॉलेज भी जा रहे हैं, कॉलेज में हम रूममेट्स भी हैं, हम बताता हुआ पहले वाले कॉलेज ब्लॉग में, तो ये मुझे अच्छे से जानती है। अच्छे से जानती है कि नहीं जानती? जानती है, वो तो पता चल जाएगा। हमने उसके लिए क्या बोलू, ब्लू 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 कपड़े भी देखे हैं, रेड रेड भी नहीं है, सारे कलर पसंद है, क्योंकि तू आर्ट की बच्ची है ना। ऐसी बात नहीं है, तो मेरा नहीं, मैं भी नहीं बताऊंगी, बताना नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। एक क्वेश्चन का आंसर देने में कुछ नहीं होगा, एक फेवरेट कलर क्या, मुझे भी पता चल रहा है, मुझे तो लगा कि तेरा ब्लू ही होगा, तेरे को ब्लू पसंद है। मेरा फेवरेट कलर है ब्लैक, ब्लैक इज का देखो मैंने कहा था मैं बहुत तेज हो रहा है, बहुत जानबी अच्छे तो ब्लैक मेरा फेवरेट कलर ब्लैक, बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा ना मतलब थोड़ा सा रॉयल लगता है, तो अच्छा लगता है ब्लैक। तो हमारे की मैंने यहीं पे खत्म होते हैं, यहीं पे समाप्त होते हैं, और जितने भी क्वेश्चन आप लोगों ने तो भेजे थे मतलब पूछे थे इंस्टाग्राम में आए थे कुछ क्वेश्चन, और पहले वाले कुछ ना यूट्यूब पे भी आए हुए थे कमेंट्स में, तो वो बहुत पहले के आए हुए थे, और मेरा फर्स्ट व्लॉग है क्यू एंड ए के अंदर, तो फिर मैंने सोचा कि उन क्वेश्चंस को भी इसके अंदर ऐड करूं, तो मैंने ऐड किया और क्यू एंड ए बनाया। तो मुझे कमेंट पे जरूर बताना फर्स्ट क्यू एंड ए था तो कैसा लगा आप सभी को, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही करना, भूलना मत, ठीक है, और सब्सक्राइब करना प्लीज, और वीडियो को लाइक भी करना, दीदी बोल रही तो कर देना, ओके क्योंकि इसमें मैं भी हूं ना इसलिए। तो कैसे करते, तो हम यहीं पे ब्लॉग पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। बस बस फिर स्टार्ट करते हैं ये चश्मे।